नमस्कार, आइए बात करते हैं राज्य की तमाम बड़ी खबरों की। वहीं आज राजस्थान में होंगे बड़े बदलाव, किसानों के लिए भी बड़ी खबर, सीएम भजनलाल शर्मा का बड़ा ऐलान। चलिए जानते हैं आज की तमाम बड़ी खबरें, बने रहिएगा अंत तक। राजस्थान में बीते 2-3 दिन पड़ रही तेज गर्मी से लोगों को राहत मिलनी शुरू हो गई है। कल से प्रदेश में आंधी बारिश का दौर शुरू हो गया। बीती रात जयपुर, सीकर, दौसा के अलावा गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर के एरिया में तेज धूल भरी आंधी चली 35 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से। आए तूफान के कारण कई जगह पेड़, रोड लाइट पर लगे ट्रांसफार्मर के खंभे और टीन शेड होर्डिंग बोर्ड गिर गए। गंगानगर में देर शाम अंधड़ आने से आसमान मटमैला हो गया। यहां देर शाम काली पीली आंधी देखने को मिली, इसके साथ कुछ स्थानों पर हल्की बारिश भी हुई। मौसम में हुए इस बदलाव के चलते हनुमानगढ़ में कल तापमान में 5 डिग्री सेल्सियस तक नीचे आ गया। मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर ने आज भी 25 जिलों में तेज अंधड़ चलने, बारिश और ओलावृष्टि का येलो और ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। राजधानी जयपुर में रात करीब 10 बजे बाद मौसम में बदलाव आया और आसमान में बादल छाने के साथ हवा चलनी शुरू हो गई। रात करीब 10:30 बजे तेज स्पीड से धूल भरी आंधी शुरू हो गई, आसमान में धूल का गुब्बारा छा गया। जयपुर में रात में हवा की अधिकतम स्पीड 53 किलोमीटर प्रति घंटे दर्ज हुई। तेज आंधी से कुछ जगह पेड़ पौधे गिर गए। इससे पहले देर शाम गंगानगर, बीकानेर के साथ हनुमानगढ़ के एरिया में काली पीली आंधी चली। राजस्थान में आज दोपहर मौसम बदल गया। राजधानी के साथ साथ टोंक, राजसमंद आदि इलाकों में मेघ गर्जन के साथ बारिश देखने को मिली। राज्य में बारिश से मौसम खुशनुमा हो गया। मौसम में घुली ठंडक से लोगों को भीषण गर्मी से कुछ राहत मिली। पश्चिमी विक्षोभ ने राजस्थान में अपना असर दिखाना शुरू कर दिया है। गंगानगर के सीमावर्ती एरिया में धूल का बड़ा गुब्बारा उठा, आसमान में छा गया। यहां 35 किलोमीटर से 65 किलोमीटर की स्पीड से हवा चली। इससे यहां कई गांवों में पेड़ और ट्रांसफार्मर लगे रोड लाइट के खंभे गिर गए। इससे गांव में बिजली की सप्लाई प्रभावित हो गई। जयपुर, गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, टोंक, धौलपुर समेत कई शहरों में कल दिन का तापमान 1 से लेकर 4 डिग्री सेल्सियस तक गिरा। चित्तौड़गढ़ के अलावा वन स्थली 12 करौली में कल दिन का तापमान अधिकतम 43 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ। राजधानी जयपुर में तापमान 41.6, कोटा में 42.6, उदयपुर में 40, धौलपुर में 42.2, बाड़मेर, जैसलमेर में 40.5, जोधपुर में 40.9, फलोदी में 40.6, बीकानेर, चूरू में 42.4, गंगानगर और हनुमानगढ़ में 39 डिग्री के करीब दर्ज हुआ। मौसम विज्ञान केंद्र का कहना है कि 10 जून तक प्रदेश का मौसम ऐसा ही बना रहेगा। पश्चिमी विक्षोभ विदा होने के बाद प्रदेश के तापमान में 1 से 2 डिग्री की बढ़ोतरी दर्ज होगी। मानसून 25 जून के करीब प्रदेश में टकराने की संभावना बन रही है। उसके बाद ही प्रदेश की जनता को गर्मी से राहत मिलने की संभावना है। सरकारी भर्तियों में पारदर्शिता और शुचिता की वकालत करने की दिशा में सरकार ने एक और बड़ा फैसला लिया है। सरकार की मंशा पर काम करते हुए कार्मिक विभाग ने सभी विभागों को निर्देश देते हुए कहा है कि पिछले 5 साल में जो भर्तियां हुई हैं उनमें नौकरी पाने वाले कर्मचारियों की कुंडली खंगाली जाए। इसमें अभ्यर्थियों की दस्तावेज जाँच करने के साथ ही इस पहल को भी देखना है कि परीक्षा देने वाले और नौकरी करने वाले कर्मचारी एक ही हैं या नहीं। कहने का मतलब सरकार ने डमी कैंडिडेट के जरिए नौकरी हासिल करने वाले पर सख्ती की मंशा जताई है। सरकार ने भर्ती परीक्षा में हुई अनियमितता को देखकर यह निर्देश जारी किए हैं। अब इस निर्देश के साथ ही कई जगह विभागों में खलबली मची है। हालांकि कर्मचारी अपनी इस बेचैनी को दबाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उन लोगों के मन में घबराहट ज्यादा दिख रही है जिनके दस्तावेज या तो सही नहीं है या फिर बाहर अन्य राज्यों की शिक्षण संस्थाओं के हैं। सरकारी कारिंदों में कार्मिक विभाग के एक निर्देश से खलबली मची है। हालांकि यह हलचल उन लोगों में दिख रही है जो पिछले 5 साल के दौरान नौकरी में आए हैं। दरअसल जिस तरह पिछले दिनों सरकार के निर्देश पर एसओजी की एसआईटी ने कार्रवाई की है और मामला उजागर करते हुए सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा में गड़बड़ियां उजागर करते हुए ट्रेनी सब इंस्पेक्टर को भी पकड़ा है। इन सब को देखते हुए ऐसा लग रहा है कि कुछ और भर्ती परीक्षा ऐसी हो सकती हैं जिनमें धांधली हुई हो। पिछले दिनों आरपीएससी ने स्कूल लेक्चरर भर्ती परीक्षा में ऐसी ही खामी को पकड़ते हुए पुलिस में एफआईआर दर्ज करवाई थी। साथ ही कई जगह खेल कोटे में भी फर्जी सर्टिफिकेट से नौकरियां पाने का मामला भी नजर में आए हैं। ऐसे में सरकार चाहती है कि जो पात्र व्यक्ति है उसे ही नौकरी मिले। इन दिनों सूरज अपनी प्रचंड से प्रदेश की धरती को तपा रहा है। इसके साथ साथ बूंद बूंद जल का संकट जीवन के धैर्य की परीक्षा ले रहा है। लोगों को दिन और रात को चैन नहीं मिल रहा। पानी लाने के लिए रोज 5 किलोमीटर चलकर जा रहे हैं। इस हालत में उनकी स्थिति दयनीय हो गई है। राजधानी जयपुर में हालत बद से बदतर होते जा रहे हैं। जयपुर के वासिंदों के घरों के नलों की बूंद आए उस अरसा को गया है। रायमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे, मोती मानुष सून। रायमन का यह दुआ गर्मी की तपिश बढ़ते ही आमेर के वासिंदों के लिए सच साबित होने लगा है। आपको राजधानी जयपुर में बाइक पर बाल्टियां भरकर ले जाते हुए तस्वीर एक एक बाल्टी पानी भरने की जयोजत की तस्वीर देखने को मिलेगी। स्कूल की छुट्टियों में बच्चे खेलने की बजाय पहले पानी भरने की मशक्कत करते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि लोगों की प्यास बुझाने में सरकारी सिस्टम नाकाम है। ये भीषण जल संकट पानी की व्यवस्था की पोल खोल रहा है। कागजों में तो लोगों को पानी पिलाने का प्लान तैयार है, लेकिन लोग बूंद बूंद पानी के लिए भटक रहे हैं। गर्मी का पारा चढ़ते ही जल संकट गहराने लगे हैं। आम से लेकर खास तक सभी के पीने के पानी के लेकर काफी
चिंतित रहने लगे हैं। कई जगह तो लोग बूंद बूंद पानी के लिए लोग तरस रहे हैं। गर्मी का मौसम परवान चढ़ते ही लोगों का कंठ सूखने लगे हैं। साथियों, ये थी आज की तमाम बड़ी खबरें। यह वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा ताकि नए नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे।